अच्छा ये बताओ टिकट के पैसे किसने दिए थे? बॉयफ्रेंड ने। अच्छा शो हाउसफुल था? हाँ। ओके कॉर्नर वाली सीट मिली थी? ना। तो लड़का गायब नहीं हुआ, भागा है। अरे ऐसे कैसे भाग सकता है? देखिए इतने पैसे उसने खर्च किए टिकट विकेट के, पॉपकॉर्न के, कॉर्नर वाली सीट नहीं मिली तो मजा फिर कहाँ किस बात का? अरे लेकिन हम तो गए थे फिल्म देखने के लिए ना, सीट कोई भी हो उससे क्या? ऐसे कैसे सीट कोई भी हो उससे क्या? तुम्हारे पति को पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग गया? जब शादी नहीं हुई तो पति कहाँ से आया? शादी से पहले बॉयफ्रेंड लेके घूमती हो? अरे लेकिन शादी के पहले ही बॉयफ्रेंड होता है। मेरी तो शादी हुई नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो कोई भी नहीं है। लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं। लड़कियों के होते हैं तो लड़कों का क्या होता है? लड़कों का गर्लफ्रेंड होता है। अच्छा देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ। तो फिर रिपोर्ट आगे बढ़ाएंगे रिश्ता? क्या बोलती हो? मैं देश इसलिए तरक्की नहीं कर रहा, लाना था तुम जैसे जवानों पर। सर मैं न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ? जिस चीज की देश में कमी चल रही है उसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हो? बिजनेस क्यों नहीं कर लेते तुम? सर बिजनेस के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ तो कोई जॉब कर लो ना। वही तो करने आया हूँ। वही तो कब करोगे? जब उम्र निकल जाएगी तब करोगे? घर में बेचारी बूढ़ी माँ बैठी है, बच्चा इतना बड़ा होगा दो पैसे कमाएगा, और ये देखो। एक्सक्यूज मी सर, मेरे घर में माँ है लेकिन वो बूढ़ी नहीं है। ओहो यानी तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की है। पापा क्यों दूसरी शादी करेंगे? पापा ने एक ही शादी की है। और मेरे माँ बाप अगर फिट है तो मैं क्या करूँ? अच्छा माँ बाप सब कुछ करे, तुम कुछ नहीं करोगे हैं? तो काम क्यों नहीं करते जाके, आइसक्रीम बेचा करो। अरे मैं क्यों आइसक्रीम बेचूं? मेरे पिता का सपना था कि मैं पुल बनाऊं। लेकिन पुल तो सरकार बनाती है। हाँ? ओहो तो तुम सरकार का काम करना चाहते हो? आज कह रहा है पुल बनाएगा, कल कहेगा कि मैं नोट छापूंगा। कत्तार! एक मिनट बंपर, अभी के अभी मीडिया को फोन लगाओ, उनको बोलो नकली नोट छापने वाला 3 साल पहले गिरफ्तार किया हमने। चलो उठाओ। लगा रही हो? बेवकूफ ऐसे करी थोड़ी करते हैं। तलाशी लो इसकी पहले। एक सेंट, ये तो मेरे घर का सामान है। और एक सेंट, आप ऐसे कैसे किसी की तलाशी ले सकते हो? इसका फोन छीनो, फेसबुक पे स्टेटस इसका चेंज करो, लिखो एंगेज्ड। हमारे हवलदार से पूछ लो। अरे अरे पैसे क्यों निकाल रहे हो? पैसे क्यों निकाल रहे हो सर? पैसे नहीं निकालेंगे तो हम अपने आप को तनख्वाह कैसे देंगे? लाइए बंपर, एक काम करो इसको अंदर डाल दो, छोटा सा मुक्का मार देना ताकि अगर होश में रहा तो चाय मांगेगा। चलो। अरे अरे सर, चलो अंदर चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बता रहा हूँ। चलते चलते मुक्का मारो इसके। सर सर मुझे जेल में। चलो लीजिए। देखिए मेरी तो आज की सैलरी का इंतजाम हो गया। हाँ बस अब आपकी सैलरी आ जाए तो आज थाना थोड़ा जल्दी बंद कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, जो हमारा सामान चोरी हो गया। बधाई हो, मेरी सैलरी भी आ गई। हमारा सामान चोरी हो गया और आप लोग हमें बधाई दे रहे हो? देखिए एक बहुत सयाने आदमी ने कहा है कि जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। बैठिए इधर। जी यहाँ लबेड़ हो गई है और तुम दोनों चिकाई ले रहे हो? क्या चटाई ले रहे? नहीं चटाई नहीं कह रहे हम। तो क्या चिकाई? हाँ चिकाई, चिकाई यानी कि मजे मजे ले रहे हो। नहीं नहीं ऐसी क्या बात है, आप आराम से बैठिए, बताइए आप क्या लेंगी, चाय कॉफी या चिकाई? जे चाय कॉफी ना चाहिए, चिकाई ना चाहिए। जी लंच टाइम हो रहा है तो लंच मंगवा दो एक थाली। ये देखिए ऐसा ये थाना जैसा लग रहा है ना एकदम। हाँ? ये सब थाना कैसे लगा रखे हैं? हाँ? बंदूक बंदूक है ये सब, पूरा जेल वेल है ना, तो ये थाना ही है। सॉरी सॉरी जी गलती हो गई जी, हम कहा करें, कानपुर से आए तो कितना कुछ हो गया हमारे साथ, पहले हमारा सामान चोरी हो गया और जी आपकी मुंबई में इतनी इतनी गर्मी भी तो है ना कि हमारे दिमाग का दही हो गया। जी दरोगा साहब जी, अगर एक चील्ड बियर मिल जाए तो बस सब ठीक हो जाए। जी हमने तुम्हें बताया ना कि हम कानपुर मेल से आ रहे थे, भुसावल आया तो हमारी आँख लग गई। किससे लग गई? ज्यादा नेता बनने की कोशिश ना करना, नहीं तो भूखार पे ऐसा मरेंगे कि देखते रह जाओगे। हमने बोला हमारी आंख लग गई मतलब नींद आ गई, जब आंख खुली तो मुंबई स्टेशन आ गया तो हमारे सामान को लेके चला गया। देखिए 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 ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपका सामान मुंबई आना ही ना चाहता हो, वो भोपाल में ही उतर गया हो। कि सामान अपने आप उतर जाता है? अरे हैंगओवर अपने आप उतर सकता है तो सामान क्यों नहीं उतर सकता है? हमारी बिटिया जो है ना वो मुंबई में रहती है तो हम गोवा कहाँ जाएंगे? एक बात बताओ, खुद इतना सारा सामान लेके आती हो। हाँ। बिटिया के लिए कुछ नहीं लाई हैं? बच्चे बेचारे मदर्स डे पे फोटो खींच खींच के माँ की एडिट कर करके
डालते हैं कि आई लव यू मदर, पर खाली हाथ आ गई, बिटिया के लिए कुछ नहीं लाई। नहीं हम लाए माँ की हाथ की मठरिया। अच्छा वो भी अपनी माँ के हाथ से बनवा के लाई, खुद नहीं बनाई। आलसी औरत, ऐसी औरतों से तो अच्छा है भगवान सारे के सारे मर्द बना दे। जी आप सबको मर्द बना दोगे तो औरतें कौन बनाएगा? नहीं नहीं उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए एक बंदा है यहाँ पे। सामान दिला दो नहीं तो ऐसा रायता फैलाएंगे कि तुम समेटे ना समेट पाओगे। रुक जाइए एक मिनट, जरा बताइए आपके पास चोर की कोई फोटो है? हे भगवान, जे इन लोगों को कौन समझाए कि चोर की फोटो हम कहाँ से लाए? अच्छा वैसे तो 50-50 सेल्फियां लेके फेसबुक पे डालती हूँ, करवा चौथ वाले दिन चोर के साथ एक फोटो नहीं खींच सकती थी? अपना फेसबुक अकाउंट चेक करवाओ, किस नाम से? एंजल प्रिया। तेरी टॉप, तेरी ये क्या कर रही? एंजल, एंजल नाम बलता है इनका? ये क्या कर रही हो? बंदूक को लग जाएगी। आपका नाम ना रामलाल होना चाहिए, रामलाल। देखिए आपके पास ना सामान की फोटो है ना चोर की फोटो है, किसी की फोटो दिखाओ, कोई हीरो हीरोइन की दिखा दो, मैं मजा ही आ जाए। जो हमारे पास हमारी बिटिया की फोटो है, देखो मिस कानपुर रह चुकी है। बिटिया तो आपकी बड़ी खूबसूरत है, इस केस की पूरी तफ्तीश करनी पड़ेगी, हो सकता है पूरे सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे 2-3 महीने आपके घर में रुकना पड़े। जी क्या बकलोली हो रही है? जी थानेदार साहब क्यों रहेंगे ला जाकर हमारी लड़की के घर पे? जी हमारी बिटिया के घर में तो जगह भी बहुत कम है। अच्छा इतनी बड़ी माँ को रख सकती है वो? पति को रख सकती है? हाँ। और एक पराया मर्द नहीं रह सकता उधर? जो पराया मर्द क्यों रहेगा उसके घर में? एक मिनट, जब अपनी बेटी की शादी की थी तो वो क्या सगा मर्द था उसका? पराया मर्द था ना, तो फिर हम नहीं रह सकते हैं क्या? वो कहावत नहीं सुनी आपने कि सास भी कभी बहू थी? जी उस कहावत का इस केस से क्या लेना देना? तो आपके केस से हमारे केस से क्या लेना देना? सामान आपका चोरी हुआ है, चोरी चोर ने किया है, आप इधर आई कि नहीं आई? बस एक मिनट रुक जाइए जरा साफ साफ बताइए कि आपका दामाद जो है वो काम क्या करता है? बैंक में काम करता है। उसको फोन करके जरा पूछो, 500-1000 वाले नोट बंद क्यों कर दिए? नौकर आदमी से अपनी बेटी की शादी कर दी, दो दो स्टार वाला इंस्पेक्टर यहाँ पे खड़ा, उनका आपको ध्यान ही नहीं कोई? हे भगवान जी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा जो सर है ना वो कढ़ाई से भी ज्यादा गर्म हो रहा है। इस आदमी से तो मुझे बात ही ना करनी, जब तुझसे भी ना बात करनी, हम कमिश्नर को फोन लगाएंगे बस। हेलो कमिश्नर सल्ला स्पीकिंग। जी कमिश्नर तो बलवंत राय था। बलवंत राय के तो कुत्ते होते हैं। देखिए जो बलवंत राय थे वो जेंट्स कोटे के कमिश्नर थे, ये लेडीज कोटे के कमिश्नर हैं। कमिश्नर साहब चलिए आपका गश्त का टाइम हो गया, फटाफट निकलिए गोली की तरह चलिए। जी, जी कैसे हो सकता है जी, थानेदार कमिश्नर को आदेश दे रहा है, ये कमिश्नर आदेश ना देगा? चलो पोस्ट चेंज कर लेते, देखो आज से मैं कमिश्नर तुम इंस्पेक्टर, चलो। ओके सर। जी ऐसा यहां ये हो जाता है? हां हो जाता है, पोस्ट चेंज हो जाती है, हमारे तो 1-2 बार चैनल भी चेंज हुए। मेरा बॉयफ्रेंड मिला? आजकल बॉयफ्रेंड्स कहाँ मिलते, हम तो कब से अपने लिए ढूंढ रहे हैं। और इनके इलाज के लिए हम एक डॉक्टर भी ढूंढ रहे हैं। जे बॉस, अगर जे मेरा सामान ना मिला ना तो महेंद्र बाहुबली। आपको लगाना ही है तो कोई चाट पकौड़ी की दुकान लगाइए, हम भी खाएं, मजा है। ये क्या पानी, पानी शट अप, इधर चोरी होगी, तुम पानी बेच रहे हो? मैं पानी बेच पी रहा हूँ, प्यास लगी है, पानी पीना है मुझे। बेबी तुम है? बेबी बेबी तुम मुझे पहले ये बताओ, मेरे बेबी को अंदर किस जुर्म में डाला है? चोरी की है इसने, चोरी की है। जी जी तुम चोर हो? हाँ हाँ हूँ मैं चोर, एक मिनट हूँ मैं चोर, लेकिन मुझे चोर बनाया किसने? किसने बेबी किसने? इस लड़की ने, इस लड़की के खर्चों ने, इस लड़की के मोबाइल के रिचार्ज ने, इस लड़की की शॉपिंग की डिमांड ने मुझे चोर बनाया। ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates